कल हम ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर जो अभिसमय हैं उन्होंने इतना अपना महत्वपूर्ण स्थान संविधान में ले लिया है कि वे कानून के रूप में आज प्रचलित हो गए हैं और लोग उनका कानून की तरह ही उनका सहर्ष उनका पालन करते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है और उनका योगदान इस बात से सिद्ध होता है कि लोग उन्हें कानून की प्रभुत्व शक्ति से संपन्न न होने के कारण भी लोग उनका अपनी इच्छा के अनुसार उनका पालन करते हैं। इस प्रकार कल हमने अभिसमय के बारे में पढ़ा था कि अभिसमय किस प्रकार से लोग अभिसमयों का पालन करते हैं और स्वयं अनुशासित रूप से लोग उनका स्वयं कानून की तरह ही उनका पालन ब्रिटेन में किया जाता है और किस प्रकार अभिसमयों का वर्गीकरण हमने किया था कि अभिसमय का वर्गीकरण वहां पर किस प्रकार से है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि अभिसमयों की उपयोगिता एवं महत्व। तो देखिए आपका टॉपिक अभिसमय ही चल रहा है, अभिसमयों की उपयोगिता एवं महत्व। देखिए ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी उपयोगिता वहां पर व्यावहारिक रूप में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका पहला पॉइंट है कि संविधान की विभिन्न विशेषताओं का आधार। देखिए अभिसमयों की उपयोगिता का पहला पॉइंट यह है कि संविधान की विभिन्न विशेषताओं का आधार अभिसमय है। ब्रिटेन में अभिसमय जो है वो प्रचलित है क्योंकि वहां पर जो भी संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई उन्होंने एक नियम के रूप में वहां पर वो चीजें स्थापित हो गई और लोग उनका क्या करने लगे, उनका पालन करने लगे। जैसे कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, ये भी एक अभिसमय के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार से वहां पर मिश्रित शासन व्यवस्था है, ये भी अभिसमय के रूप में है। तो ब्रिटेन में इस प्रकार कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों के आधार पर वहां पर स्थापित हुई है। तो इसलिए संविधान की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट रूप से समझने में अभिसमय क्या है, सहायक है। और अभिसमय स्पष्ट रूप से उन संविधान की विभिन्न विशेषताओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर ब्रिटेन में है, क्योंकि संविधान में विभिन्न विशेषताएं हैं अलग अलग। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से मिश्रित शासन व्यवस्था, उसी प्रकार से जो लॉर्ड सभा अपील का क्षेत्राधिकार उसके पास में है, तो ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान में अलग अलग रूप में वर्णित हैं, लेकिन अभिसमय जो है वो इन विभिन्न विशेषताओं को स्पष्ट और सुगम रूप से समझने में क्या है, बहुत ही सहायक है। अगला पॉइंट है संविधान के विकास में सहायक। देखिए
ये जो अभी समय है ये संविधान के विकास में बहुत ही सहायक है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, किसी संविधान सभा ने इसका निर्माण नहीं किया है, तो ये संविधान जो है वो निर्मित नहीं है। जैसे कि भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, तो ये एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है जो कि अभी समय और परंपराओं पर आधारित है। और ब्रिटेन में अभी समयों का महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका इस बात में है कि वह संविधान के विकास में सहायक है, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर जिस प्रकार से क्रमिक विकास के द्वारा जो अभी समय स्थापित हुए वो वहां पर संवैधानिक परंपराओं के रूप में वो स्थापित हो गए। और जैसे कि ब्रिटेन में इतने वर्षों पुराना राजतंत्र वहां पर स्थापित है, और इतना वर्षों पुराना राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में वहां पे परिवर्तित किया गया। जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उस गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में वहां पर सीमित और मर्यादित राजतंत्र की स्थापना हुई। तो हम देखते हैं कि संविधान के विकास में ये अभी समय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण सहायक है, क्योंकि संविधान जिस प्रकार से क्रमिक विकास के रूप में ये संविधान आगे बढ़ा और इसमें जो विशेषताएं समय के अनुसार परिवर्तित होती गई, इन विशेषताओं को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका है, अभी समयों का है। तो देखिए इस प्रकार से संविधान के विकास में क्या है, सहायक है। अगला है ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। तो देखिए ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में भी अभी समय क्या है, सहायक है। और जिस प्रकार से अभी समय संप्रभु के रूप में, कानूनी संप्रभु के रूप में वहां पर है, क्योंकि अभी समय ने वहां पर कानून का रूप धारण कर लिया है, तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में, उसके एग्जीक्यूशन में भी अभी समय बहुत ही सहायक है। देखिए जिस प्रकार से राजा जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उसके परामर्श के आधार पर वो मंत्रिमंडल का क्या करता है, चयन करता है, मंत्रिमंडल को चुनता है। देखिए ये भी एक वहां पर ये संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। इसी प्रकार से संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक राजा अपनी स्वीकृति इस पर अवश्य देता है। यदि संसद किसी भी विधेयक को स्वीकृत कर देती है तो राजा को उस पर अपनी स्वीकृति देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से राजा लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में भी क्या है, सहायक है अभी समय, जो वहां पर संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई और उन्होंने एक निर्देश या एक नियमावली का रूप धारण कर लिया और लोग उसका क्या करते चले गए, अनुसरण करते चले गए। तो इस तरह से जो संवैधानिक परंपराएं वहां पर विकसित हो गई क्रमिक विकास के द्वारा, और उन्होंने संविधान के क्रियान्वयन में क्या करा, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करी। इस प्रकार से अभी समय की उपयोगिता ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में सहायक होने से भी क्या होती है, सिद्ध होती है। अगला है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाने में सहयोग। अगला है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाने में सहयोग। देखिए
अभिसमय जो होते हैं शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। कैसे? जैसे कि लोकसभा में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेते हैं, और जब लोकसभा अपील का न्यायालय बनती है उस समय जो लॉर्ड चांसलर होता है वो लॉर्ड चांसलर क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो देखिए इस प्रकार शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने में, उसका सिस्टम देने में अभिसमय क्या होते हैं, अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन सही ढंग से करने में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में अभिसमय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसी तरह से एक शासन का एक स्वरूप और है, जैसे कि चौथे पॉइंट में हम एक चीज और लेते हैं कि लोक सदन में जो व्यक्ति होता है, लोक सदन का अध्यक्ष हमेशा निर्दलीय व्यक्ति को ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर जो संवैधानिक परंपराएं विकसित होती चली गई, उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा के रूप में, वो संविधान की विशेषताओं के रूप में उन्हें माना जाने लगा। इस प्रकार से अभिसमय इन उपयुक्त कारकों के द्वारा इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है कि अभिसमय जो है ब्रिटिश संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक हैं, और ब्रिटिश संविधान में जो समय के अनुसार जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को ये अभिसमय क्या करते हैं, अपने में समेट लेते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुसार ब्रिटिश संविधान में ये जो परिवर्तन जो होता है इसे फ्लेक्सिबल रूप से, इसे लचीलेपन से अभिसमय इन परिवर्तनों को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अभिसमयों की उपयोगिता इस बात से सिद्ध करते हैं कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं, इनको हम नकार नहीं सकते। और निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार ब्रिटिश संविधान को प्रासंगिक और समसामयिक बनाने में इन अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि समय के अनुसार जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को क्या करते हैं, अपने आप में समाहित करते हुए ब्रिटिश संविधान में चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार से समय परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव होते हैं उन बदलावों के अनुसार ब्रिटिश संविधान में भी हमें वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि अभिसमय ब्रिटिश संविधान को समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करते रहते हैं। तो देखिए ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय एक महत्वपूर्ण कारक है, और ये इसे समय और परिस्थिति के अनुसार ढालने का काम करते हैं। तो ऑग और जिंक ने तो ये भी कहा है कि अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों में, देखिए ऑग और जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है जो मैं आपको बताता हूँ। ऑग और जिंक एक महत्वपूर्ण विचारक हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अभिसमय जो होते हैं वो ब्रिटिश संविधान की हड्डियों में, ब्रिटिश अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों में, ऑग और जिंक का कहना है, ऑग व ऑग और जिंक महत्वपूर्ण विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों में मांस भरने का कार्य करते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण कथन है जो आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑग व जिंक ने कहा है
जिंक ने कहा है अभिसमय कानून की सूखी हड्डियों में मांस भरने का कार्य करते हैं। देखिए प्रमुख कथन है ऑगर जिंक का, जो आपके कवर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है ब्रिटिश संविधान के बारे में, ये कथन किसने कहा है। और आगे आप आईएएस आरएएस की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये कथन देकर ये दिखा जाता है कि उपयुक्त कथन की आप क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए अथवा इसको विश्लेषित कीजिए, विशद और व्यापक रूप से इसकी आप मीमांसा कीजिए, इसका विवेचन कीजिए इस कथन का। तो देखिए हम उतनी डीपली में नहीं जाते हैं, फिर भी आपको इस कथन का मतलब समझाते हैं कि अभी समय कानून की सूखी हड्डियों में मांस भरने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए वहां पर जो परंपराएं विकसित होती चली गई, संवैधानिक परंपराएं, और जिन्होंने समय के साथ साथ जो विकास क्रम में क्रमिक विकास के साथ साथ उन अभिसमयों ने कानून का रूप धारण कर लिया और वो संवैधानिक मान्यताएं विकसित होती चली गई, लोग उनका अनुसरण करते चले गए और इस प्रकार से कानून की सूखी हड्डी में मांस भरने का कार्य किसने किया, अभिसमय ने, क्योंकि वहां पर कानून तो है ही और कानून में दंड की शक्ति होती है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति से संपन्न होते हैं कानून, जबकि अभी समयों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से कानून की सूखी हड्डियों में मांस भरने का कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक हड्डी में मांस नहीं भरा जाता तो खाली वो केवल कंकाल ही रहता है। तो इसलिए ब्रिटिश संविधान में अभी समय के बारे में और जिन का ये महत्वपूर्ण कथन है कि अभी समय कानून की सूखी हड्डियों में मांस भरने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है उसमें अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है और ब्रिटिश संविधान को समसामयिक प्रासंगिक अर्थात समय के अनुसार परिवर्तनशील बनाने के लिए ये अभिसमय जो है इन्होंने इसे जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। तो देखिए एक कथन और है, मैं आपको और बताता हूँ लेकिन स्ट्रेची का ब्रिटिश संविधान के बारे में जो भी आपके कई बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये कथन किसका है। तो देखिए लिटेन स्ट्रेची का एक कथन है, लिटेन स्ट्रेची महत्वपूर्ण विचारक हैं, ब्रिटिश विचारक हैं, इसका भी एक कथन है, ब्रिटिश संविधान विवेक एवं संयोग की संतान है। ये भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये कथन किसका है। ये कथन है लेटिन स्ट्रेची का कि ब्रिटिश संविधान विवेक एवं संयोग की संतान है, क्योंकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और अलिखित संविधान होने के कारण संयोग कौन अभिसमय, अभिसमय के बारे में यहाँ पे संयोग शब्द प्रयुक्त हुआ है और विवेक का मतलब विवेक के अनुसार लोगों ने उन अभिसमयों को क्या किया है, माना है। हर परंपरा विश्वास रीति रिवाज को हम नहीं मान सकते क्योंकि वो हो सकता है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का प्रतीक हो, लेकिन जो विवेक के आधार पर लोगों ने जिन अभिसमयों को मानना शुरू किया है और वो स्वस्थ परंपरा के रूप में वहां पर कानून के रूप में स्थापित हो गए हैं, एक विधि एक विश्वास एक मान्यता के रूप में स्थापित हो गए हैं, तो विवेक के आधार पर लोगों ने उन्हें क्या किया है, उनका पालन स्वीकार किया है। इसलिए लिटिल स्ट्रेची का ये कथन ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा गया है कि ब्रिटिश संविधान विवेक एवं संयोग की संतान है। ये किसकी तरफ इशारा है, अभिसमयों की तरफ इशारा किया है लिटिल स्ट्रेची ने कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्वपूर्ण योगदान है और अभिसमय वहां पर लोगों ने अपने विवेक पर उनको आजमा कर
उनका पालन शुरू किया। इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण कथा है कि ब्रिटिश संविधान विवेक एवं संयोग की संतान है। तो देखिए आपका अभिसमय के बाद में एक अगला टॉपिक आता है राजा एवं राजमुकुट का, हम देखते हैं। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है राजा एवं राजमुकुट। देखिए आपके फर्स्ट पेपर में ब्रिटेन के संविधान में आपका अगला टॉपिक आता है राजा एवं राजमुकुट। देखिए ये भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है राजा एवं राजमुकुट का, और आपके कई बार ये प्रश्न भी आता है 2 नंबर और 5 नंबर का, राजा और राजमुकुट में क्या अंतर। देखिए राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था का प्रतीक है, क्योंकि राजा ब्रिटेन में राजतंत्र शासन प्रणाली है, इसलिए वहां पर राजा का स्थान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है और संसदीय कार्यपालिका होने के कारण वहां 2 तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, जो कि हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में आपको बताया था कि वहां पर संसदीय कार्यपालिका है, और संसदीय कार्यपालिका होने के कारण वहां पर 2 तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका का ब्रिटेन में जो अध्यक्ष है वो है सम्राट राजा रानी, और हमारे यहाँ पर क्या है राष्ट्रपति। इसी प्रकार से वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है ब्रिटेन में हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। देखिए नाममात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, राजा है ब्रिटेन में। तो राजा वहां पर क्योंकि निरंकुश राजतंत्र शासन प्रणाली है जिसे संसदीय लोकतंत्र ने वहां पर सीमित और मर्यादित लोकतंत्र के रूप में क्या किया, स्थापित कर दिया है। देखिए राजा जो है वह एक व्यक्ति के रूप में है, एक व्यक्ति के रूप में, और राजमुकुट जो है वो एक संस्था के रूप में। देखिए राजा एक व्यक्ति के रूप में, क्योंकि राजा जो होता है एक शरीरधारी व्यक्ति होता है और जिसकी मृत्यु निश्चित होती है वो नश्वर होता है, नाशवान होता है। लेकिन राजमुकुट अजर और अमर होता है, स्थाई होता है, वो नाशवान नहीं होता, क्योंकि वो एक संस्था के रूप में है। जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठता है और राजगद्दी को प्राप्त करता है तो उसके बाद में उसे शीश पर राजमुकुट पहनाया जाता है, तो वो है राजमुकुट, अर्थात एक संस्था का प्रतीक है राजमुकुट, जिसमें संसद, नौकरशाही, मंत्रिमंडल ये सब शामिल होता है। तो देखिए राजमुकुट में राजा, मंत्रिमंडल, नौकरशाही, संसद ये सब शामिल होता है, एक संस्था के रूप में होता है, जबकि राजा एक व्यक्ति के रूप में होता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राजा एक जीवधारी शरीरधारी व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट जो है एक संस्था के रूप में वहां पर प्रचलित है, क्योंकि इसमें सामूहिक शक्तियां हैं और इसमें व्यक्तिक शक्तियां हैं। तो देखिए राजा का पद ब्रिटेन में बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद है।
राजा के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा जो अपने बंकिंगम पैलेस में है तो प्रजा जो है वो अपने घरों में सुख और चैन की नींद सो सकती है। देखिए राजा बहुत ही सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जिसके होने के कारण जो प्रजा है नागरिक है वो अपने घर में सुख की चैन सो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कहावत है जो ब्रिटेन के राजा के बारे में कही जाती है। देखिए राजा एक व्यक्ति के रूप में है जबकि राजमुकुट एक संस्था के रूप में है और इस प्रकार से राजा का पद अर्थात राजपद बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजमुकुट उसे राजमुकुट पहनाया जाता है जब वो अपनी गद्दी पर आसीन हो जाता है बैठता है। तो इस प्रकार राजा और राजमुकुट में अंतर आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए आपके कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है राजा और राजमुकुट में अंतर, कई बार आपके 5 नंबर का प्रश्न भी आता है और हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होता है एक दो साल में। तो ये आपके महत्वपूर्ण है राजा और राजमुकुट में अंतर। देखिए राजा में राजमुकुट में अंतर, पहला अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति के रूप में है जबकि राजमुकुट एक संस्था के रूप में। अर्थात राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। एक संस्था है जिसमें कई कारक कई घटक शामिल हैं जैसे कि राजमुकुट में राजा, संसद, मंत्रिमंडल, नौकरशाही, ये सब इसमें क्या है शामिल है। फिर देखिए दूसरा अंतर है राजा की स्थिति व्यक्तिक रूप में है। राजा की स्थिति व्यक्तिक रूप में है जबकि राजमुकुट की सामूहिक स्थिति है। जबकि राजमुकुट की सामूहिक स्थिति है क्योंकि राजा व्यक्तिक रूप में उसकी हैसियत है जबकि राजमुकुट की स्थिति क्या है सामूहिक उसकी स्थिति है। अगला अंतर है राजा नाशवान है अस्थाई है जबकि राजमुकुट स्थाई है क्योंकि राजा एक शरीरधारी व्यक्ति के रूप में है। राजा आते हैं जाते हैं, राजा का जन्म मरण होता है लेकिन राजमुकुट का जन्म मरण नहीं होता, राजमुकुट हमेशा स्थाई होता है। और राजा एक के बाद एक राजा जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे राजा
अपनी गद्दी पर सत्ता संभालते हैं, लेकिन राजमुकुट वही रहता है। राजा बदलते रहते हैं लेकिन राजमुकुट कभी नहीं बदलता, नहीं बदलता। इसलिए राजा तो क्या नाशवान है, अस्थाई है, जबकि राजमुकुट स्थाई है और अमर है। इसलिए राजा को जीवन होने के कारण उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो स्थाई है, जबकि राजमुकुट क्या है, स्थाई है। देखिए इस प्रकार राजा और राजमुकुट में अंतर हमने किया। इस प्रकार से राजा और राजमुकुट में प्रमुख अंतर आपके हमेशा पूछा जाता है।